हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो फर्स्ट डे का है और आज मैं डालने जा रही हूँ, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिला इतना ज़्यादा। बोला जैसा कि तबीयत और काम इतना ज़्यादा हो गया है ना कि क्या बताएं। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि ये देखिए इस तरह से लगाया मेरे पैरों में कलर, क्योंकि फर्स्ट डे तो लगाना ही पड़ता है, उसके बाद ही स्थापना होती है, फिर जाके सारी चीज़ें तय स्टार्ट होती हैं। तो पहले तो आप सभी को तहे दिल से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, चैत नवरात्रि। आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियां लाए और ढेर सारी बरकत लाए, और जो भी जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो सभी को माता रानी पूरा करे। तो यही कामना के साथ मैं अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये है मेरे गणपति बप्पा, जो ऑलरेडी हमारे बाहर का जो डोर है ना, तो वहाँ पे रहते हैं। जब कोई भी फेस्टिवल या कोई त्यौहार या कुछ भी होता है ना, तो मैं उनको वहाँ से उठा के लाती हूँ। स्नान वगैरह करने के बाद उनको उठा के ला के उनको गंगा जल और पंचामृत सबसे स्नान करा के अच्छे से उनको क्लीन करती हूँ। फिर रूरी और चंदन लगा के और उसके बाद में सिंदूर, फिर ले जाके उनकी जगह पे उनको वहाँ पे रख देती हूँ। और ये रहा मेरा मंदिर जो ऑलरेडी मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो हम मिल के काम कर रहे हैं पूरा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं नहीं बता रही हूँ कि कौन है, आप लोग बताइएगा कि ये कौन है, क्योंकि अभी तक आप लोग ने मेरे ब्लॉग में या इसमें शॉर्ट्स में मुझे ही देखा है। तो सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैंने की आरती, और पूरी आरती कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से करते हैं। और जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, तो आसन मतलब ये 9 दिन का मेरा फास्ट है, तो 9 डेज़ का मैंने रखा है। तो आप लोग में से भी काफ़ी लोग रखते होंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रही, बट मैं दोनों रखती हूँ, ये और इसके बाद में जो आता है फिर बाद वाला जो होता है ना वो थोड़ा इजी होता है, पर ये जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि कि इसमें कैसा ना इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय, और गर्मी में रहना मतलब बोलते हैं ना कि क्या बताऊँ, हालत ख़राब होती है। माता रानी का इतना ज़्यादा ये है मेहर है कि हो जा रहा है। तो आज मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, और आज है तीसरा दिन नवरात्रि का, जैसा कि मेरे गले से भी आप लोग को पता चल रहा होगा। और ऑलरेडी इसके पहले मैंने एक वीडियो और ब्लॉग भी डाला था कि मेरी तबीयत काफ़ी डाउन है, मतलब अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रही है, बट उतना नहीं हुआ है, बट चालू है। डॉक्टर ने प्रॉपर वेट रेस्ट बोला है, फिर भी मेरे दिल से ऐसा हुआ नहीं, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ ये व्रत, क्योंकि मैं इतने सालों से रह रही हूँ। और फिर वैसे भी बोला जाता है ना कि जब भी जो ईयर में मलमास लगा रहता है, शायद आप लोग अगर जानते रहेंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो वो साल में कोई नया व्रत ना तो उठाते हैं ना जो पहले से रहते हैं वो छोड़ते हैं। ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता कि मैं ऐसे कुछ कर लूँ, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, अध्यापन वगैरह करना, कन्या खिलाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब इसके लिए मैंने नहीं छोड़ा। और मैंने सबको बोला ठीक है मैं नहीं रहूँगी, मेरे पतिदेव रहेंगे, मैं ऐसा मम्मी को भी बोला, सबको बोला, और उसके बाद कोशिश किया तो पतिदेव ही व्रत हैं अभी ऑलरेडी। आज तो सभी जने फर्स्ट डे तो सब रहते हैं मेरे घर में, सिर्फ मेरे बाबू को छोड़ के बाकी सभी रहते हैं। तो अभी ये पूजा आरती होने के बाद हमने रख दिया यहाँ पे, हम लोग की आरती चालू है, उधर रख दिया है ऑलरेडी बटाटा वगैरह बॉल होने के लिए, कि मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना वड़ा, और साबूदाना वड़ा के बाद फिर जो फ्रूट्स वगैरह है वो सब लेके सब लोग फलाहारी करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को आज फर्स्ट डे है, तो हमने सोचा कि दिन भी अच्छा है, मंगलवार है और फर्स्ट डे है, तो हमारे यहाँ पे जो शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, वहाँ पे जाके हम ऊटी भर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा शायद कि नवरात्रि में ना ऊटी भरने जाते हैं, सब मंदिर में दर्शन करने जाया जाता है, तो इसके लिए मैंने बोला चलो आज ही जाके हो आते हैं। तो ये पूजा हमारी संपन्न नहीं, ये जो होता है हम करते हैं, आप लोग शायद करते रहेंगे, कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ऐसा ना लास्ट में जब भी कर्पूर गर्म होता है तो हमें ऐसा 3 टाइम्स घूम के भगवान को ये करना होता है, क्षमा याचना करनी होती है, क्षमा मांगते हैं जो भी गलती होती है। ये रहा प्रॉपर मंदिर जो माता रानी का दरबार, सच्ची बोलूँ ना इतना अच्छा लगता है नवरात्रि मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना प्यारा। और मंदिर मतलब मैं थोड़ा बहुत जितना हुआ है मुझसे जो तरीके से मैंने किया है, बट इतना जितना भी कर लेती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कैसा लगा। वैसे तो माता का दरबार और माँ कैसी भी हो बहुत प्यारा लगता है, बट मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, कहीं मतलब इस तरह से देखते देखते ना मैं इतना ज़्यादा खो जाती हूँ ना इसमें कि मैं क्या बताऊँ। तो इस तरह से मैंने मंदिर को डेकोरेट किया है, और यहाँ पे सारे मतलब बोलते हैं जिस जो ऑलरेडी मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित है वो भी है, उसके अलावा शीतला माता है, हरे विष्णु और शीतला माता, ऐसा क्योंकि कलसा उनके सामने रखा होता है इसके लिए वो थोड़ा सा ये हो गया है, बट कोई नहीं, ये भी तो शीतला माता 9 दिन जो होता है वो कलश को ये करते हैं, ये विंध्यवासिनी माता जी, और उसके बाद ये हमारे प्यारे लड्डू गोपाल और शंकर जी भगवान, और लड्डू गोपाल के साथ में है नंदी गाय। तो ये रहा
उसके बाद हो गई मेरी पूजा, अभी पूजा आरती हमारी ख़त्म हुई है ये जाके, उसके बाद हम निकल दिए शिव मंदिर दर्शन के लिए, जिसका वीडियो मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत धूप थी इसके लिए। तो ये देखिए हमने शिव दर्शन भी कर लिया कल है, और ये फिर फर्स्ट डे का ही शाम का वीडियो है। शाम को मैंने फिर से जब नहा धो के आरती वगैरह किया तो उसका ये ब्लॉग डाला है। आई होप आप लोग भी इसी तरह से करते होंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस किसने फास्ट रखा है, किसके मतलब किसका किसका फास्ट है, 9 डेज का है, कौन सी स्टार्टिंग और एंडिंग के रहते हैं, और आप लोग किस तरह से पूजा कर रहे हैं माता रानी का। मेरे को तो जितना आता है मैंने वैसा किया, अगर कुछ भी रहेगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।